सोनी के फूल कभी। अरे मैडम आइए आइए बैठिए, बताइए क्या दिखा दें आपको हम। सोने की चेन, चांदी की अंगूठी और हीरो का हार दिखा दीजिए। ये कैसा मजाक है मैडम, हमारी तो साड़ी की दुकान है, कोई ज्वेलरी शॉप थोड़ी है। तो भैया साड़ी ही दिखाओगे ना, ये फालतू के लुल्ल सवाल पूछ के मेरा और पब्लिक का दोनों का समय क्यों खराब कर रहे हैं। अबे तुम क्या बदतमीजी दिखा रहे हो बे, अपना काम करो। बताइए मैडम कौन सी साड़ी दिखाएं आपको, बनारसी या कांजीवरम, प्लेन या जरदोजी, कॉटन या शिफॉन, हल्की या भारी, बताइए। अरे रुको 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 भैया, मुझे आलतू फालतू की साड़ियां नहीं देखनी, मुझे आग लगाने वाली साड़ी दिखाओ। आग आग लगाने वाली साड़ी? भैया आपका नाम सुन के आपकी आगे क्यों पड़ गई, पहले फायर ब्रिगेड में थे क्या? अरे ना ना मैडम, इससे पहले तो हमारे मालिक सड़क के किनारे बैठ के भुट्टे भूनते थे। अबे तुम फिर बोले, साले अपने काम पे ध्यान दो, तुम्हारे भुट्टे छील लेंगे अभी हम। अरे भैया इसमें गर्म होने की कौन सी बात है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी साड़ी दिखाओ जिसे पहनूं ना तो मेरी सास देवरानी जेठानी अड़ोसन पड़ोसन सब जलकर राख हो जाए। अरे तुम मैडम ऐसे बोलिए ना कि आपको ससुराल में धुआं उड़ाना है, एक से बढ़कर एक साड़ियां आपको दिखाएंगे, बस आप मैडम हमको थोड़ा अपनी रेंज बता दीजिए एक बार। रेंज रोवर में दिखाओ, वही चलन में है। अरे बहन जी आप मजाक बहुत करती हैं, हम जानना चाह रहे हैं क्या रेट की साड़ी दिखाएं। भैया रेट की चिंता मत करो, महंगी से महंगी साड़ी दिखाओ, बस मुझे पसंद आनी चाहिए। एक काम करो मंगल, वो राजस्थानी वाला लॉट आया था ना वो निकालो, लाओ। जी ये लीजिए। ये देखिए मैडम राजस्थानी डिजाइन का लेटेस्ट मॉडल है, आपको पूरे मार्केट क्या पूरे देश में हमारे सिवा कहीं और नहीं मिलेगा। ये डिजाइन तो बहुत बढ़िया है भैया, लेकिन कलर कुछ जम नहीं रहा है। कलर नहीं पसंद आया? अरे आपको हम दो कलर और है वो दिखा देते हैं, ला मंगल इसके बाकी दो कलर निकाल दो। ये देखिए मैडम एक से बढ़ के एक कलर है। नहीं ना ना भैया ये कलर भी अच्छे नहीं लग रहे, इसमें अगर गाजरी रंग हो ना तो मजा आ जाएगा। गाजरी कलर ये तो नहीं है मैडम हमारे पास। तो फिर काई वाला हरा और समुद्री नीला वो हो तो वो दिखा दो। मंगल ये कौन से रंग हैं, मार्केट में नए आए क्या बे? अरे हमें कैसे पता होगा मालिक, इतने टाइम से आपने कोई नया स्टॉक तो मंगाया नहीं है। क्या मतलब क्या कह रही है? कुछ नहीं बहन जी, ये कह रहा है इतनी देर हो गई आपने कुछ ठंडा गरम कुछ मंगाया नहीं, बताइए क्या मंगा दें आपके लिए। कॉफी विद बटर ये मंगा दो भैया। हाँ ठीक है, एक मिनट एक काम करो तुम मंगल, ये 100 रुपए पकड़ो जो मैडम बोल रही ले आओ, जाओ तुरंत जाओ जी। अब मैडम आप हमारे कहने से सॉरी हैं, ये डिजाइन देखिए ये कलर आप पे ऐसा जचेगा ना जैसे चांद पे चांदनी हो। भैया कलर तो ठीक है इसका, लेकिन इसका डिजाइन देख रहे हो कितना पुराना है, और इसमें चांद पे चांदनी नहीं चांद पे चरखा चलाने वाली बुढ़िया लगूंगी, कोई और डिजाइन है तो दिखाओ। अरे तो पुराना है तो मत लीजिए, दूसरी दिखा देते हैं। एक से बढ़ के एक साड़ियां हैं हमारे पास, एकदम कमी नहीं है कोई। मैडम देखिए देखिए एकदम जचेंगी आप इसमें। इतनी घटिया है भैया, अच्छी साड़ियां दिखाओ। कैसी लग रही है मैडम? ना बिल्कुल भी नहीं। मैडम ये देखिए ये सही लग रही है क्या आपको? भाई मंगल अब तू दिखा बहन जी को साड़ी, हमारी तो धोती खुल गई भाई। मम्मी मम्मी भुट्टे भून चुका है, अंकल कह रहे मेरे पास छुट्टे नहीं है, वो कह रहे 40 रुपए छुट्टा दे दो। 500 के कुल्ले तो मेरे पास भी नहीं है बेटा। भैया आपके पास है 500 का कुल्ला? हाँ चलो बेटा
अरे मैडम साड़ी नहीं लेंगी आप? नहीं नहीं भैया, कभी और देख लेंगे। हा? अरे बहन जी, हमें बड़ा अफसोस है, आप हमारी दुकान पे आई पर हम आपको एक साड़ी तक नहीं पसंद करवा पाए। अरे अंकल, मेरी मम्मी यहाँ पर साड़ी थोड़ी ना लेने आई थी, वो तो मेरे को भुट्टे दिलवाने लाई थी। वो क्या है ना भैया, बाहर भुट्टे सिकने में ना बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा ऐसे सड़क पर कहाँ बैठूंगी, इससे बढ़िया कि आपके दुकान पर आकर टाइम पास कर लेती हूँ। और हाँ, कॉफी के लिए स्पेशल थैंक यू आपको। चल बेटा चल। अबे मंगल, ये साड़ी देखने के बहाने हमारा लहंगा फाड़ के चली गई बे। हाँ, वो भी मलाई मार के।